शहर के वार्ड क्रमांक 8 में स्थित विधायक कार्यालय में आज छत्तीसगढ़ सर्वगाड़ा समाज के प्रमुख सलाहकार एवं क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष मोहन सिंह गंधर्व के द्वारा प्रेस वार्ता ली गई। प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा उनके ही समाज से आने वाले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सरायपाली विधानसभा प्रत्याशी किस्मतलाल नंद को सभी सामाजिकजनों के द्वारा पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि गाढ़ा समाज के द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पत्र प्रेषित कर सरायपाली से पुनः वर्तमान विधायक एवं गाढ़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किस्मतलाल नंद को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने श्री नंद को प्रत्याशी नहीं बनाया और जिसे प्रत्याशी बनाया है उनका गाढ़ा समाज से कोई विशेष संपर्क ही नहीं है। वे न तो कभी सामाजिक बैठकों में शामिल होती है और न ही किसी भी सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेती है। अतः गाढ़ा समाज श्री नंद को ही अपना प्रत्याशी मानता है और सभी सामाजिक जनों ने उन्हें एवं जोगी कांग्रेस को ही समर्थन देने का निश्चय किया है। मेरा नाम सोहनलाल चौहान है। चौहान जी, क्या 2018 में किस्मतलाल नंद जी 52,000 वोट से जीते थे, हमारे समाज के से उनको टिकट नहीं मिला और नंद जी अभी हमारे गाढ़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये छत्तीसगढ़ सेना का जो प्रत्याशी है चातुरी चौहान, वो हमारे समाज से लेना देना नहीं है। उनका अलग समाज है, हमारा गाढ़ा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे समाज वाले यहाँ के 40,000 वोटर, बसना विधानसभा में 19,000 वोटर हैं हमारे समाज से, ये सब जोगी कांग्रेस को वोट देंगे। श्याम तांडी भी हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो उड़ीसा के आदमी हैं और उनका पूर्वज आके यहाँ बसा है, यहाँ उनका कोई रिश्तेदारी नहीं है सरायपाली विधानसभा में, ना मामा है ना काका है ना कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ वो पैराशूट से यहाँ आया था और चुनाव हार के बाहर चला।